बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रीट ना किया गया टाइमली तो चांसेस होते हैं कि मुसलसल नाक से पानी आता रहता है, तो ऐसे पेशेंट को साइनस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है जिससे वॉइस में चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाती हैं। केरा गले की तरफ गिरता रहता है तो चांसेस होते हैं एलर्जिक एस्थमा के चांसेस होते रहते हैं। अच्छा, ये रेशा मुसलसल गले की तरफ आएगा तो कान और गले के दरमियान जो ट्यूब है जिसे हम कहते हैं यूस्ट्रेशन ट्यूब, वो ब्लॉकेज हो जाती है, तो कानों में टक टक की आवाज़ें, कानों में शोर की आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया गया तो क्या कहता रहता है, आवाज़ बैठ जाती है जिसे होसनेस ऑफ वॉइस हम कहते हैं, आवाज़ का बैठ जाना। तो ये साइनसाइटिस, यूस्ट्रेशन ट्यूब ब्लॉकेज, कान का बंद होना, टॉन्सिल्स के बढ़ जाना, एलर्जिक एस्थमा होना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो टेक होम मैसेज ये है, आइडेंटिफाई एलर्जेंस, अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन और इमीडिएट इसको मेडिकेट किया जाए, साथ में वैक्सीनेशन की जाए, इससे कई हद तक एलर्जी कंट्रोल होती है।